एशिया कप 2023 का तीसरा मैच भारत पाकिस्तान के बीच कैंडी के पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहीं टीम की प्लेइंग 11 में कई स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में एक ऐसे खिलाड़ी को मौका नहीं दिया है जिसने भारत के लिए अभी तक 415 इंटरनेशनल विकेट हासिल किए हैं। वहीं ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में हैट्रिक भी ले चुका है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टीम में बड़े बदलाव कर दिए हैं। उन्होंने टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में नहीं चुना है। मोहम्मद शमी विंडीज दौरे के ब्रेक पर चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान ने शमी से ज्यादा मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया। सिराज के अलावा टीम के दूसरे स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। वहीं तीसरे गेंदबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।